मित्रों आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज ये जो वीडियो है कुछ खास बातों के लिए, जिसमें खास बात ये होगी कि कई बार क्या होता है कि भाई देखे, एक काम करना अलग मैटर है, आगे वाला व्यक्ति क्या काम कर रहा है ये भी दुनिया जानती है, लेकिन कभी कभी व्यक्ति को हंसते भी रहना चाहिए और मनोरंजन करते रहना चाहिए, क्योंकि मनोरंजन करने से हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी पैदा होती है ना, यानी अगर मैं बात करूं, एक खुशी जब हम लोगों को होती है ना, तो हर जगह दिमाग काम करता है, काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। दिमाग जो होता है ना, वो ऑलरेडी उसके अंदर एक ताकत भर जाती है। अब इस समय थोड़ा सा एक दो दिन से थोड़ा सा टाइम कम कट पा रहा है, क्योंकि गर्मी भी ज्यादा आप जानते हो, तो विचार आया कि कुछ गीतों पे डांस करूं, एक्टिंग करूं। उसमें भी कई लोग उस पर भी टिप्पणियां करते रहते हैं। इस भारत देश में अगर आप YouTube पर जाकर देखेंगे कि लोग इतना गंदा गंदा काम कर रहे हैं शॉर्ट वीडियो में कि आप देख नहीं सकते। मेरा अपना भी देखो, मेरा भी अपना एक मन है, हर किसी का एक मन होता है कि भाई अगर देखिए, हमारी शुरुआत ही कला से हुई है। आप एक चीज को मान लीजिए, चाहे वो हमारी फिल्मी लाइन हो या हमारी संगीत लाइन हो, हमारी शुरुआत ही कला के क्षेत्र से हुई। समाज के लिए जब कला का भी मैं प्रदर्शन कर रहा था, उस समय भी हमेशा समाज के लिए हमेशा निर्भर रहा, हमेशा समाज के लिए अच्छा सोचा, अच्छा किया, और ये हमारे बहुत ही करीब के लोग अच्छी तरह जानते भी। आइडिया आया कि अगर लोगों की सेवा करनी है तो उसके लिए चैनल खोलना पड़ेगा, खोला। अब आप लोग बताइए, जो चीज पुरानी एनर्जी किसी के अंदर भरी हो तो कभी कभी तो मन करता है ना। मैंने भी कल हाल में ही एक बच्ची आई थी और एक कोई मैडम थी एक्टिंग के ही सिलसिले, वो लोग भी शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, तो मैंने कहा मेरा भी बना दो। मैंने सोचा लाओ ट्राई करता हूं, बनाता हूं, मैंने बना दिया। अब उसमें कुछ लोगों को मजाक लग रहा है, हालांकि बहुत लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, लोगों ने अच्छा भी बोला है, लेकिन ये कि हमारा शौक है। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, हम वहां पे जानबूझ करके हमको मजा लेना है, ऐसा कुछ नहीं है मेरा भाई। हमें देखो अपनी, देखो एक बात समझिए, ऊपर वाली की दया से घर में हमारी फैमिली है, वाइफ है, बच्चा है, और क्या जीवन में चाहिए यार। ये जीवन है, इस जीवन में हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहना चाहिए। हालांकि मैं हमेशा ये प्रयास करता हूं कि वाइफ को बता दूं हर चीज। मैंने उनको बताया, उन्होंने मुझसे कहा कि ये थोड़ा सा भत्ता लग सकता है, क्योंकि भोजपुरी है और प्लस थोड़ा हो सकता है हमारा टचिंग का सीन थोड़ा उल्टा सीधा हो गया हो। तो उन्होंने बोला कि आपका साफ सुथरे अगर काम करेंगे, साफ सुथरे का मतलब साफ सुथरा गाना हो, सामाजिक गाना हो, उस पर आप करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, और अगर खुशी मनानी है तो ऐसे आप कर सकते हो। तो उस चीज को भी मानना मेरा एक कर्म और मेरा धर्म है, जो मुझे करना भी चाहिए। ऐसे हमारे एक दो बंधु हैं, उन्होंने भी मुझसे कहा। मैंने वीडियो को प्राइवेट भी कर दिया है, क्योंकि देखिए मैं ये नहीं चाहता हूं कि किसी भी तरह से मेरी छवि पर कोई धब्बा पहुंचे। आप लोग भी कमेंट करिए कि क्या हमें अपनी कला को दिखाना चाहिए या कला को दबा देना चाहिए, क्योंकि देखिए कला जो है ना, वो हमेशा एक दिमाग को संतुष्ट करती है, यानी माइंड को सेट करती है, आपको के अंदर खुशी पैदा करती है। बैठे हैं तो मन हुआ कि चलो भाई कुछ एक्टिंग करते हैं। आपने देखा होगा मैं वीडियो भी बनाता हूं तो ज्यादातर एक्टिंग में ही बात करता हूं। तो ये कला है, ये कोशिश कितनी भी कर लो ये निकल ही जाती है। तो आप लोग बता सकते हो इसके बारे में, नो झिझक यार। देखिए कला इतनी इंपॉर्टेंट मैं नहीं समझता हूं, मैं ये समझता हूं कि मेरी वजह से आप लोगों को कोई कष्ट ना पहुंचे और
इतना भी नहीं हमें शौक है कि पता लगा कि हम अपनी ही छवि खराब कर लें। यदि हमारी एक्टिंग से छवि खराब हो रही तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि नहीं मैं थोड़ा बहुत कुछ अच्छा कर रहा हूं तो बताइए, क्यों, और या कोई तरीका बताइए कि कभी कभी ऐसे कला का प्रदर्शन कर। मैं तो हमेशा कलाकारों को सपोर्ट करता हूँ। कला के क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति अगर मेरे पास आ जाता है ना, बहुत मजा आता है। हमारे बीसी विभाग में भी बहुत कलाकार बंधु हैं, कितने लोग तो गाना गाए हैं, बहुत कला है ये सब। अगर वो लोग भी आ जाते हैं तो क्यों नहीं बना सकते, बना सकते हैं। अभी बीच में आपने देखा होगा सूरबंशम के ऊपर भी हमने सूरबंशी करके एक डायलॉग बना करके मैंने उस पर एक्ट किया। तो क्या ना, एक कला है ये। देखो ये मायने नहीं रखता कि लेडीज के साथ कर रहे हैं या जेंट्स के साथ, क्योंकि कला वही होती है कि चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। यदि महिला के साथ भी अगर कोई कलाकारी कर रहा है तो हमेशा उसकी भावनाएं अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एक सरस्वती का ये कार्य होता है। कलाकार एक सरस्वती का एक वरदान है, आप समझिए। तो कला को आजकल लोग अहमियत नहीं समझते, और अहमियत इसलिए नहीं समझते क्योंकि आजकल लोगों ने कला को ही गंदा कर दिया है। कला की आग में लोग शोषण करने लगे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कला का मतलब होता है कि आप कला का मतलब कला ही करें। ये नहीं है कि आप कला करते करते आप ऐसे कोई स्टेप करें जिससे कहीं ना कहीं समाज में एक भावना गलत तरीके से पहुंचे। आप देखिए ना, ऐसे ऐसे हस्बैंड वाइफ देख रहा हूं कि साड़ी उठा उठा करके नाच रहे हैं। इनके मोहल्ले वाले नहीं बोलते क्या कि इनके घर वाले नहीं है, इनको शर्म नहीं है? एक बार एक व्यक्ति ने टिप्पणी की थी तो बता रहे थे मेरा काम मैं करती हूं। अरे तुम्हारा काम है भाई, तो क्या इस समाज में कुछ भी करोगे? भाई हमको लोगों ने देखो कहा, मैंने तुरंत उनको प्राइवेट कर दिया। अगर मेरे किसी वीडियो से किसी को यार ठेस पहुंचे मैं ये बर्दाश्त नहीं करता। क्या यार, ये तो अब चलता रहता, लेकिन समाज में संदेश गलत नहीं जाना चाहिए। समाज में हमेशा संदेश अच्छा चाहिए, हम प्रयास करते। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का ये है ना कि आज की जो पब्लिक है ना, वो आजकल यही सब देखना चाहती है। उसको रोमांस चाहिए, उसको रोमांटिक वीडियो देखना है, उसको साड़ी उठाने वाले वीडियो देखना है, लहंगा चुन्नी वाले देखना है, उसको उसी में मजा आता है। हम लोग इतना मेहनत करते हैं, उनको ये वीडियो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। सही चीज तो अच्छी नहीं लगेगी, बस क्या है ना, लुंगी डांस चुन्नी डांस यही सब अच्छा लगता है। तो पहले मुझे लगता है कि भारत देश के लोगों को सोच बदलनी चाहिए, ऐसी चीजों को इग्नोर करना चाहिए और हमेशा एक सत्य और एक सही वीडियो का साथ देना चाहिए। कितनी मेहनत पड़ती है हम लोगों को बताया आपको, वो लोग तो शॉर्ट वीडियो खोलते हैं, 5 मिनट में नाच नूच के अपलोड कर देते हैं। हमको एक वीडियो बनाने में 2 से 3 घंटा लगता है, आंखें और कमजोर हो जाती हैं एडिटिंग करते करते, लेकिन इसको कोई नहीं समझेगा। हाँ ज्ञान देने वाले बहुत आ जाएंगे, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, तो बहुत गंदा हो गया, बहुत गलत हो गया, लेकिन जो मेहनत कर रहा है उस मेहनत को नहीं देख रहे, उस मेहनत को नहीं सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर कोई नाच दे तो उस पर टिप्पणी होने लगती है। अब आप लोग बताइए, क्या कला को दबाना चाहिए या कला को उजागर करते रहना चाहिए? हाँ प्रयास ये करूंगा अगर आप लोगों की ज्यादा रहेगी कि कोई भी ऐसे गीत पर ना हो जिससे समाज में छवि खराब हो, सामाजिक गीत हो और समाज में सुन सको। तो अगर इस पर आपकी इजाजत है तो आप हमें बोल सकते हो, तो मैं बीच बीच में इंटरटेनमेंट करता भी रहूंगा और आपको करवाता भी रहूंगा, वो भी दूसरे चैनल पर, इस पर नहीं, क्योंकि वो उसी पर आधारित करेंगे हम। ठीक है बंदो, आज जो मैंने बातें बोली ईमानदारी से बताइएगा, मैं यदि गलत कह रहा हूं तो बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।